अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो व्यूअर्स, आई मोहम्मद अब्दुल हबीब वेलकम यू ऑल टू एम्स ट्यूटोरियल फॉर अकाउंट्स। इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग द चैप्टर कैश बुक चैप्टर 5 फॉर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फॉर तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन। लेट अस हैव अ प्रॉब्लम, पेज नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 8। प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक। द ट्रांजेक्शन आर गिवन फॉर द ईयर 2018 फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर। हियर आर द ट्रांजेक्शन। द टिल नाउ वी प्रिपेयर्ड सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक। द फॉर्मेट फॉर सिंपल कैश बुक वॉज डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट रुपीज। एंड द फॉर्मेट फॉर टू कॉलम कैश बुक वॉज डेट पर्टिकुलर्स LF DA डिस्काउंट अलाउड अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स LF DR डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट रुपीज। वेर एज नो द फॉर्मेट फॉर थ्री कॉलम कैश बुक इज डेट पर्टिकुलर्स LF विच स्टैंड फॉर लेजर फोलियो, DA डिस्काउंट अलाउड कैश रुपीज बैंक रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स LF DR डिस्काउंट रिसीव्ड कैश रुपीज बैंक रुपीज। सो दिस इज कॉल्ड एज थ्री कॉलम कैश बुक बिकॉज वी हैव थ्री कॉलम्स फॉर रिकॉर्डिंग अमाउंट। वन इज डिस्काउंट अलाउड, अनदर वन इज कैश एंड अदर वन इज बैंक। द रूल्स फॉर थ्री कॉलम कैश बुक विल बी द सेम। वेन एवर कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, एंड वेन एवर कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। पैसा आ रहा तो आपको डेबिट में लिखना है, पैसा जा रहा तो आपको क्रेडिट में लिखना है। लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम। द ट्रांजेक्शन आर गिवन फॉर द ईयर 2018 डिसंबर 1st। इट इज गिवन एज कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 8,000। इट मीन्स आपके पास 10,000 रुपये कैश है, आपके बैंक में 8,000 रुपये कैश है। सो दोनों कैश आपका अपना है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज 2018 डिसंबर 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2018 डिसंबर 1st, 2018 डिसंबर 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड वी हैव 10,000 रुपीज, कैश एट बैंक वी हैव 8,000 रुपीज। नेक्स्ट, आफ्टर डिसंबर 1st वी हैव अनदर ट्रांजेक्शन ऑन डिसंबर 3, सेल्स 4,000 रुपीज। सेल्स का मतलब क्या, आप सामान बेच रहे। वेन यू आर सेलिंग द गुड्स यू विल बी रिसीविंग कैश, सो वी विल बी रिसीविंग अमाउंट। And nothing has been specified whether you are receiving the amount in cash or through check. So when nothing has been specified, it is assumed that you are receiving cash. आप सामान बेच रहे, बदले में आपको या तो पैसे आएंगे या तो चेक आएगा, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई करा हुआ नहीं है तो आपको कैश आ रहा समझेंगे। सो कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज डिसंबर 3 टू सेल्स अकाउंट एंड 4,000 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। तो यहाँ पे आप डेट लिखेंगे डिसंबर 3 टू सेल्स अकाउंट, आप सामान बेच रहे, सो इट इज एन इनकम टू सेल्स अकाउंट। कितना पैसा आ रहा आपको, 4,000 रुपीज, सो 4,000 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। नेक्स्ट, आफ्टर डिसंबर 3 वी हैव अ ट्रांजेक्शन ऑन डिसंबर 6, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुनीता 6,800, डिस्काउंट अलाउड 200। सो वी आर रिसीविंग कैश फ्रॉम सुनीता, सो कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। कितना कैश आ रहा, 6,800, आप डिस्काउंट दे रहे, कितना दे रहे, 200 रुपीज, इट इज लॉस टू द बिजनेस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। द डेट विल बी टेकन एज डिसंबर 6 टू सुनीता 6,800 एंड 200 विल बी अलाउड एज डिस्काउंट। सो हियर यू विल बी राइटिंग द डेट एज डिसंबर 6 टू सुनीता अकाउंट, टू सुनीता अकाउंट। कितना कैश आ रहा, 6,800, सो 6,800 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम एंड यू आर अलाउविंग ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज 200, सो 200 विल बी रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट अलाउड कॉलम। आफ्टर डिसंबर 6 वी हैव ए ट्रांजेक्शन ऑन डिसंबर 9, कमीशन रिसीव्ड 800। तो इस बार अपने को पैसा आ रहा, कौन से नाम पे आ रहा, कमीशन के नाम पे आ रहा, सो इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज डिसंबर 9 टू कमीशन 800 रुपीज। सो हियर यू विल बी रीडिंग इट एज डिसंबर 9 टू कमीशन अकाउंट 2 कमीशन अकाउंट। कितना कमीशन रिसीव कर रहे हैं आप, 800 रुपीज, सो 800 रुपीज विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। नेक्स्ट, आफ्टर डिसंबर 9 वी हैव अ ट्रांजैक्शन ऑन डिसंबर 10, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 2000। सो व्हेन यू डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक द जनरल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। द ट्रांजैक्शन इज डन ऑन डिसंबर 10, सो द जनरल एंट्री ऑन डिसंबर 10 विल बी बैंक अकाउंट
debit to cash account. So when you are depositing cash into bank, the general entry is bank account debit to cash account, and when cash and bank comes together, it is a contra entry. So contra and the only entry that is contra entry will be posted on both the sides of three column cash book. Other entries are posted only once, either on debit side of three column cash book or on credit side of two column cash book, whereas contra entry will be posted on both the sides of the three column cash book. So aap jab cash deposit kar rahe bank mein, kitna deposit kar rahe? 2000 rupees deposit kar rahe, tab iski general entry kya aa rahi? Bank account debit to cash account. So this will be posted in three column cash book as bank we have on debit side of the general entry. So at the time of posting into three column cash book, it will be posted on credit side. So is taraf aap date likhenge 2018 December 10, it will be recorded as by bank account. अब तक हम किसी प्रॉब्लम में LF में कुछ नहीं लिखे, अब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे? इट विल बी रिकॉर्डेड एज सी, सो विच स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री. तब यहाँ पे 2018 दिसंबर 10 बाय बैंक लिख दिया आप, फिर अपोजिट साइड डेबिट में भी सेम डेट पे लिखेंगे आप दिसंबर 10. हियर कैश इज ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द जनरल एंट्री, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द थ्री कॉलम कैश बुक एज टू कैश अकाउंट. तो फिर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, आप LF में लिखेंगे सी विच स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री. नेक्स्ट, यहां पे आप नाम बैंक लिखे तो जो अमाउंट 2000 है वो कैश में लिखेंगे, अमाउंट 2000 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम. इस तरफ आप नाम कैश लिखे तो द अमाउंट 2000 विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम. सो वेन कैश एंड बैंक कम्स टूगेदर, इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री. And when you are depositing cash into bank, the general entry will be bank account debit to cash account. This will be posted in three column cash book as by bank to cash. In order to identify it as a contra entry, we will be writing C in LF column. This can be recorded in brackets or in circles. ये C के ऊपर एक circle लिख सकते हैं या फिर इसको bracket में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आप नाम by bank लिखे, इस तरफ नाम to cash लिखे, तो अब यहाँ पे C, इधर भी C लिख देंगे आप contra. So here you have written the name cash, so the amount will be recorded in bank column. Whereas here you have written the name bank, so the amount will be recorded in cash column. Next, after December 10, we have another transaction on December 14. Check issued to Murthy 9600, discount received 400. Check issued का मतलब क्या? आप check दे रहे. तो when you are issuing check, amount will be going from the business. So who is the receiver of amount? Mr. Murthy. So it will be recorded on credit side as December 14 by Murthy 9600, and 400 will be recorded in discount received column. So here the date will be taken as December 14, and as you are issuing check to Mr. Murthy, it will be recorded as by Murthy account. Kitne ka check de rahe aap? You are giving a check of rupees 9600. So 9600 will be recorded in bank column, क्योंकि इस बार payment check से हो रही, the amount will be recorded in bank column. फिर आपको discount कितना मिल रहा? 400 rupees discount received है, so discount received के column में आप लिखेंगे 400 rupees. Next, after December 14, we have another transaction on December 17, withdrawn cash from bank for office use. So again cash and bank are coming together, so it will be a contra entry. इससे पहले हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करे थे, तब जनरल एंट्री लिखे थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इस बार जो ट्रांजैक्शन है दिसंबर 17 का, दिस टाइम यू आर विथड्रॉइंग कैश फ्रॉम दी बैंक, तो इस बार की जनरल एंट्री आएंगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो अगेन कैश एंड बैंक आर कमिंग टूगेदर, सो इट विल बी ए कॉन्ट्रा एंट्री. तो कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं आप दिसंबर 17 के दिन? 1800 रुपीज. So the general entry will be cash account debit 1800 to bank account 1800. तो अब यहाँ पे जो general entry है cash account debit to bank account, this will be posted in three column cash book as by cash to bank. इससे पहले जब आप deposit करे थे तब लिखे थे by bank to cash. Now when you are withdrawing, the situation is opposite. तो जिधर बैंक का नाम आया था उस तरफ आप कैश लिखेंगे, जिधर कैश का नाम आया था उस तरफ आप बैंक लिखेंगे.
So this will be posted as December 17, क्योंकि आप पैसे विथड्रॉ कर रहे हैं। जनरल एंट्री क्या आती है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश जनरल एंट्री में डेबिट है, पोस्टिंग में क्रेडिट में आ जाएगा। इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई कैश अकाउंट। नाउ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दिस एज ए कॉन्ट्रा एंट्री यू विल बी राइटिंग सी इन LF कॉलम। तो LF के कॉलम में लिखेंगे आप सी विच स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा। तो इस तरफ LF में लिखेंगे आप सी। So here also you will be writing contra entry. The date will be taken as December 17. इस तरफ आप लिखेंगे उधर by cash लिखे, इस तरफ आप लिखेंगे to bank. There you have written as by cash. Here you will be writing it as to bank. In order to identify it as contra entry, you will be writing it as C. तो यहाँ पे जो नाम by cash लिखे, the amount you will be writing in bank column. तो December 17 के दिन कितना है amount? 1800. So 1800 will be recorded here in bank column, whereas on debit side it will be recorded in cash column. So 1800, यहाँ पे आप नाम cash लिखे तो amount bank में लिखेंगे, इस तरफ नाम bank लिखे तो amount cash में लिखेंगे। So here you will be writing 1800 in cash column. Next, after December 17, we have a transaction on December 20, goods purchased from Rohit. So remember that whenever you purchase goods or when you sell goods and the name of a person is given, it is a credit transaction, and in cash book we record only cash transactions. We do not record credit transactions. So the transaction dated December 20 will not be recorded in cash book. For this we will be writing a note that transaction dated December 20. Here you will be writing a note as transaction dated on December 20th is a credit transaction and is hence not recorded in cash book. क्योंकि ये credit transaction है, हम इसको cash book में record नहीं करते। Next, after December 20, we have another transaction on December 24, received a check from Shyam 3800 deposited into bank. हम शाम से एक चेक आ रहा आपने को, कितने का चेक आ रहा? 3800 रुपीस का आ रहा, उसी दिन हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। रिमेंबर दैट वेन एवर यू रिसीव ए चेक और वेन एवर यू इशू ए चेक, आप किसी को चेक दे रहे या आप किसी से चेक ले रहे, तो यहाँ पे इशूड चेक की बात नहीं हो रही, रिसीविंग ए चेक की बात हो रही। तो और जस्ट रिमेंबर द पॉइंट दैट द डेट ऑन विच ए चेक इज ड्रॉन, चेक पे जो डेट लिखा हुआ रहता, द वैलिडिटी ऑफ द चेक इज फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू। चेक पे जो डेट लिखा हुआ रहेगा उस दिन से वो 3 months तक वैलिड है। तब यहाँ पे शाम से जो चेक आ रहा वो कौन से दिन आ रहा? December 24th के दिन आ रहा। तो फ्रॉम December 24 दिस चेक विल बी वैलिड फॉर 3 months। 3 months का मतलब नेक्स्ट ईयर 2019 जनवरी 24 1 month, फेब्रवरी 24 2 months, मार्च 24 3 months। तो ए चेक विल बी वैलिड फॉर 3 months from the date of its issue or from the date of its receipt. तो जो चेक पे जो डेट लिखा हुआ रहेगा वो डेट से 3 months तक वैलिड है। तो अब ये जो शाम से जो चेक आ रहा वो कौन से दिन आ रहा? December 24th के दिन आ रहा। अब हम ये चेक बैंक में कब तक डिपॉजिट कर सकते हैं? विद इन 3 months कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या दे रहा है? डिपॉजिटेड इन दी बैंक का मतलब जिस दिन चेक मिला आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर रहे। सो फर्स्ट वी आर रिसीविंग ए चेक, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो अब यहाँ पे डेबिट साइड कैसा लिखेंगे आप उसको? December 24, you are receiving a check. So the date will be taken as December 24. किससे मिल रहा आपको ये चेक? श्याम से मिल रहा। So it will be recorded as to Shyam account. तब ये पैसे जो है ना, जो चेक मिल रहा आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट भी कर दे रहे। So the amount will be recorded in bank column on the same day itself as 3800. तो यहाँ पे इसी दिन आप क्या करेंगे? It will be recorded as 3800 in bank column. Next, after December 24, we have a transaction on December 31st, salaries 1000 rupees. इसका क्या मतलब आता है? You are paying salaries worth rupees 1000. When nothing has been specified, it is assumed that you are paying salaries in cash. So it will be recorded on credit side as by salaries. So the date will be taken as December 31st. Here you will be writing it as by salaries account.
बाय सैलरीज अकाउंट, कितनी सैलरी पे कर रहे हैं आप, यू आर पेइंग सैलरीज वर्थ रुपीज 1000। नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच वर गिवन इन द क्वेश्चन एंड दीज टू आर द जनरल एंट्रीज फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री व्हिच वाज ऑन डेट दिसंबर 10 एंड दिसंबर 17। ये दिसंबर 10 की कॉन्ट्रा एंट्री है, ये दिसंबर 17 की कॉन्ट्रा एंट्री है। ये आपके सॉल्यूशन का वर्किंग नोट्स का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, नाउ एज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ट्रांजैक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन, नाउ विल बी बैलेंसिंग द थ्री कॉलम कैश बुक। अभी आपको क्या करना है, थ्री कॉलम कैश बुक की बैलेंसिंग करना है। एज वी यूज टू बैलेंस सिंपल कॉलम कैश बुक एंड टू कॉलम कैश बुक, सिमिलरली विल बी बैलेंसिंग थ्री कॉलम कैश बुक। तो पहले बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे आप, द टोटल ऑन डेबिट साइड एज वेल एज द टोटल ऑन क्रेडिट साइड विल बी डन। तो पहले कैश बुक से शुरू करें, कैश कॉलम से शुरू करेंगे। द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम इज 10,000 प्लस 4,000 14,000 प्लस 6,000 20,000 प्लस 1,000 21,000 प्लस 800 21,800 प्लस 800 22,600 प्लस 800 23,400। सो द टोटल ऑन डेबिट साइड इज 23,400। So the total on debit side is 23,400. So you'll be writing the total as 23,400. Next, here you'll be writing as the total of debit side of cash book is 23,400, and this is the total of cash column, not cash book. This is the total of cash column. Now you'll be doing the total on credit side of cash column. So अब cash column के credit का total देखिए आप, it is 2000 plus 1000 3000. So the total on credit side of cash column is 3000. So here the total is 23,400 on debit side, whereas 3000 on credit side. अब ये दोनों में कौन सा amount ज़्यादा है? 23,400 is more. So you'll be writing the highest total on both the sides. 23,400 will be recorded on debit side of cash book, debit side of cash column, as well as 23,400 will be recorded on credit side of cash column. So is taraf bhi aap 23,400 likhenge, is taraf bhi aap 23,400 likhenge. Now subtracting 3,000 from 23,400, you'll be left out with 20,400. Ab aap kya karenge? Ye, the small value will be subtracted from the बिग वैल्यू। तो आप 3000 क्या करेंगे, 23,400 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन योर आंसर विल बी 20,400। तो इस तरफ लिखेंगे आप 20,400। तो अब आपको ये 20,400 किस तरफ कम पड़ रहे हैं, देर इज अ शॉर्टेज ऑफ अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, सो कैश कॉलम, सो इट विल बी रिकॉर्डेड हियर एज बाई बैलेंस कैरिड डाउन and the date will be December 31st. तो December 31st, क्योंकि जो है ना credit में जो total है cash column का वो सिर्फ 3000 है, तो यहाँ पे आपको कितने पैसे कम पड़ रहे, there is a shortage of amount of rupees 20,400. So here you will be writing it as 20,400. As we have completed the total on debit side of cash column and credit side of cash column, now you will be doing the total for debit side of bank column and credit side of bank column. जैसा cash का debit और credit का total करे थे, उसी तरह आप bank में debit और credit का total करेंगे. The total on debit side of bank column is 8,000 plus 2,000 10,000, 10,000 plus 3,000 13,000 plus 800 13,800. Whereas the total on credit side is 9,000 plus 1,000 10,800 11,400. So debit side जो bank का column का total है वो 13,800 है. So this was the total for cash column and now you are doing the total for bank column. Bank column में debit side का total कितना है, 13,800. So here is the total, 8,000 plus 2,000 10,000 plus 3,000 13,000 plus 800 13,800. So here you will be writing the total as 13,800. Similarly, you will be doing the total on credit side of bank column
ऑफ थ्री कॉलम कैश बुक 9000 प्लस 1000 10000 प्लस 800 10800 प्लस 600 11400. सो हियर यू विल बी रीडिंग इट एज द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इज 11400. तो अब इन दोनों में कौन सा अमाउंट ज्यादा है? 13800 इज मोर देन 11400. सो यू विल बी रीडिंग द वैल्यू 13800 ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बैंक कॉलम. 13800 विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम एज वेल एज 13800 विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम. तो अब यहाँ भी 13800 लिखेंगे बैंक कॉलम में, इस तरफ डेबिट में भी आप 13800 लिख रहे, क्रेडिट में भी आप 13800 लिखेंगे. सो हियर ऑल्सो यू विल बी राइटिंग द टोटल एज 13800. Now subtracting 11,400 from 13,800. 13 minus 11 it will be 2,000. 800 minus 400 it will be 400. So the value which is left out will be 2,400. जिसको आप बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे by balance carried down 2,400. The date will be the same December 31st. तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2,400. अब आप जो भी कैरी डाउन करें कैश कॉलम में और बैंक कॉलम में, इट विल बी ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड. तब आप उसको क्या करेंगे? अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन करेंगे. तो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है? बाई का अपोजिट क्या हो जाता? इट विल बी टू. तो कैश में कितना कैरी करे थे आप? 20,400. बैंक में कितना कैरी करे थे? 2,400. So the same will be brought down here as 2,400. So यहाँ पे लिखेंगे आप two balance brought down and the date will be immediate next day of December 31st. तब यहाँ पे 2018 December 31st के बाद जो immediate next day आएंगी वो 2019 January 1st रहता. Now we'll be doing the total on discount allowed column and for discount received column. So the total for discount allowed column is 200 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे सिवाय 200 के कुछ लिखा हुआ नहीं है. सो द टोटल फॉर डिस्काउंट अलाउड कॉलम विल बी 200 रुपीज. सो द टोटल विल बी टेकन एज 200 फॉर डिस्काउंट अलाउड कॉलम. फिर आप डिस्काउंट रिसीव कॉलम का टोटल करेंगे, वहां पे जो टोटल आ रहा वो लिख देंगे. सो हियर द टोटल इज 400, क्योंकि 400 के अलावा यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है. सो द टोटल फॉर डिस्काउंट रिसीव कॉलम इज 400 रुपीज. सो 400 विल बी रिकॉर्डेड एज टोटल फॉर डिस्काउंट रिसीव कॉलम. तो जैसा हम सिंपल कैशबुक टू कॉलम कैशबुक का कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते थे, उसी तरह यहाँ पे थ्री कॉलम कैशबुक का भी कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे. The only difference is that first we'll be doing the balancing for cashbook debit side and cashbook credit side. Then we'll be balancing bank column debit side and bank. First we'll be doing the total for cash column debit side and cash column credit side. Next we'll be doing the total for bank column debit side and bank column credit side. आपको जिधर पैसे कम पड़ रहे उस तरफ carry down लिखेंगे और जितना carry down करें the same will be brought down on opposite side. Carry down के लिए वो month की last date लिखेंगे, brought down के लिए उसकी immediate next date लिखेंगे. Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel Aims Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. A one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.